हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रैक्टिकल का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर में आइडेंटिफिकेशन कौन से इंसेक्ट्स का होगा, और सबसे पहला इंसेक्ट जो हम आज स्टडी करेंगे वो आता है ऑर्डर थाइसेन्यूरा में। ऑर्डर थाइसेन्यूरा में आप स्टडी करेंगे सिल्वर फिश यानी कि लेपिस्मा। ऑर्डर थाइसेन्यूरा, जैसे कि आपको पहली वाली क्लास में बता चुकी हूँ, इंसेक्ट्स क्लास इंसेक्टा को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया है। ए टेरिकोटा यानी कि वो इंसेक्ट्स जिनमें कि विंग्स एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, और दूसरी सब क्लास होती है टेरिकोटा जिसमें कि विंग्स पाए जाते हैं। तो ए टेरिकोटा में पाया जाता है ये ऑर्डर थाइसेन्यूरा। इसमें जो माउथ पार्ट्स हैं, बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, चबाने के काम आते हैं, एक्टोगनाथस हैं, एक्टोगनाथस यानी कि बाहर नज़र आते हैं। एब्डोमन में 11 खंड पाए जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट नज़र आते हैं, 11 सेगमेंट्स, और इनमें लेटरल प्री जेनिटल सेगमेंटल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी कि लास्ट वाले खंडों में प्री जेनिटल अपेंडेजेस नज़र आएंगे, उपांग नज़र आएंगे। एक जोड़ी सरकाई होता है, और बिल्कुल मध्य में एक लंबा मीडियन कॉडल फिलामेंट पाया जाता है। तो ये है कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो कि सिल्वर फिश यानी कि लेपिस्मा में पाए जाते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेपिस्मा। लेपिस्मा लेपिस्मा यानी कि सिल्वर फिश। इसको सिल्वर फिश क्यों कहते हैं? फिश लाइक बॉडी है इसकी, सिल्वर इसका कलर होता है, सिल्वर कलर में होती है। वैसे ही 3-4 सेंटीमीटर ही लंबा होता है, और ज़्यादातर आप देखेंगे कि जहाँ पे अंधेरा है, थोड़ा सा मॉइस्चर यानी कि नमी है, वहाँ पे ये दिखाई देते हैं, जैसे कि बुक्स के पीछे या जो शेल्व्स हैं उनमें सामान पड़ा है, पुराना सामान, अखबार वगैरह, आप उसका शेल्फ का हटाओगे तो वहाँ पे आपको ये सिल्वर फिश नज़र आती है। तो जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये है इसका हेड, हेड में एंटीना नज़र आते हैं, लॉन्ग एंटीना। ये हैं इसके पेल्प्स, माउथ पार्ट के। थोरैक्स है, 3 सेगमेंट्स थोरैक्स के, 3 जोड़ी लेग्स। ये एब्डोमन है, पूरे 11 खंड होते हैं। इनमें आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे प्री जेनिटल अपेंडेजेस हैं। ये एक जोड़ी बड़े सरकाई और मध्य में लंबा बड़ा कॉडल फिलामेंट। सो दिस वॉज ऑर्डर थाइसेन्यूरा, और स्पेसिमन है लेपिस्मा यानी कि सिल्वर फिश। नाउ कम वी कम टू द सेकेंड ऑर्डर, दैट इज ओडोनेटा। ऑर्डर ओडोनेटा जिसमें कि आते हैं डैमसल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज। ये ऑर्डर टेरिगोट में है। अब बाकी अब आगे जितने भी ऑर्डर्स पढ़ेंगे वो टेरिगोट ऑर्डर्स हैं। इनमें आप देखते हैं कि ये इसके जो निम्स होते हैं, वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल है, एडल्ट तो टेरेस्ट्रियल होता है, पर जो इसके निम्स हैं यानी कि जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं। कुल मिला के ये डैमसल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, जहाँ पे पानी के तालाब इत्यादि होता है उसके आसपास ही नज़र आते हैं। और इनमें जो मेन चीज़ है वो है कि मेल्स में सेकेंड और थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट के वेंट्रल साइड पर इसका कॉपुलेटरी अपरेटस पाया जाता है। आमतौर पे जो कॉपुलेटरी अपरेटस है यानी कि जो मेल जेनिटेलिया है वो लास्ट खंडों में होता है। इसके अलावा जो और कैरेक्टर्स हैं वो ये हेड बिल्कुल राउंड शेप का होता है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी आईज होती हैं, कंपाउंड आईज, बहुत वेल डेवलप्ड है। माउथ पार्ट्स बाइटिंग चूइंग टाइप के होते हैं। प्रोथोरैक्स जो है बहुत रिड्यूस्ड होता है, थोरैक्स रिड्यूस्ड होता है। लेग्स सारी एक समान होती हैं, थिन होती हैं, और 2 जोड़ी विंग्स हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स, दोनों के दोनों मेम्ब्रेनस होती हैं, अपारदर्शक होती हैं यानी कि फ्लाइट में काम आती हैं। दोनों विंग्स मेम्ब्रेनस, ये एक विशेष कैरेक्टर है ऑर्डर ओडोनेटा का। इसके अलावा
विंग्स के ऊपरी कॉर्नर पर एक डार्क कलर का स्पॉट होता है जिसको टेरोस्टिग्मा कहते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ, इस डायग्राम में टेरोस्टिग्मा पाया जाता है। तो ये है, सी दिस इज द फोर विंग एंड दिस इज द हाइंड विंग। हाइंड विंग में आप देखते हैं, सॉरी फोर विंग में और हाइंड विंग में, ऊपरी अगला जो किनारा है, कॉर्नर है, वहां पे ये डार्क स्पॉट्स टेरोस्टिग्मा पाए जाते हैं। नाउ दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ डैमसल फ्लाई। एक ही तरफ के इसके विंग्स बने हुए हैं, एक्चुअली दो जोड़ी होते हैं, दोनों साइड विंग्स हैं। सो दिस इज द हेड। हेड बहुत छोटा होता है और उस पर जो कंपाउंड आइज हैं वो बहुत लार्ज होती हैं, बहुत छोटे छोटे एंटेना हैं। लेग्स तीनों एक सी एक समान होती हैं। और डैमसल फ्लाइज में फोर विंग और हाइंड विंग दोनों एक समान होते हैं, इसलिए इसको जाइगोप्टेरा में डालते हैं। ऑर्डर ओडोनेटा, सब ऑर्डर जाइगोप्टेरा। दिस इज सब ऑर्डर जाइगोप्टेरा, जिसमें कि सारी डैमसल फ्लाइज आती हैं, यानी कि बोथ विंग्स आर सिमिलर। दूसरा जो विशेष स्ट्रक्चर जैसे कि आप देखते हैं, मतलब डैमसल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई में जो अंतर है, बहुत ही नैरो पतला एब्डोमन होता है। डैमसल फ्लाई मीन्स, डैमसल का मतलब होता है बहुत नाजुक, तो नाजुक से यहाँ यहाँ पे मतलब है कि जो एब्डोमन है दैट इज़ वेरी थिन और दैट इज़ वेरी नैरो। सो दिस इज डैमसल फ्लाई, सिमिलर विंग्स एंड नैरो एब्डोमन। नेक्स्ट ओडोनेटा में आते हैं ड्रैगन फ्लाइज। सो ये देखिए, ये डायग्राम है ड्रैगन फ्लाई का। अब आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। हेड है, हेड में वही दो बड़ी कंपाउंड आइज होती हैं, लेग्स भी वैसी ही हैं, पर जो फोर विंग और हाइंड विंग हैं ये डिससिमिलर होते हैं। डिससिमिलर होते हैं ये इस वजह से, यानी कि दोनों एक समान से नहीं दिखते, डिसिमिलर हैं, इसीलिए ऑर्डर ओडोनेटा के ये सब ऑर्डर एनिसोप्टेरा में आते हैं। जितने भी ड्रैगन फ्लाइज हैं वो सब ऑर्डर एनिसोप्टेरा में आएंगे। डिसिमिलर विंग्स, दोनों विंग्स एक समान नहीं है, अलग अलग तरह की शेप है, और ये हाइंड विंग थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। इसके अलावा आप एब्डोमन भी देख रहे हैं, ड्रैगन फ्लाइज का एब्डोमन थोड़ा थिक होता है, ब्रॉड होता है, थोड़ा मोटा होता है ना। तो दिस इज ड्रैगन फ्लाई। तो ये था ऑर्डर ओडोनेटा, जिसमें कि दोनों विंग्स मेम्ब्रेनस भी हैं और बहुत विंग्स में बहुत सारी वेन्स हैं, और वेन्स में क्रॉस वेन्स पाई जाती हैं, इसलिए एक पूरा नेटवर्क जो है वेन्स का नजर आता है। सो दिस इज ऑर्डर ओडोनेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर है डर्मेप्टेरा, जिसमें कि आते हैं ईयर विंग्स। डर्मेप्टेरा में दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जिसको आप देख के पहचानेंगे, वो है, ये है ईयर विंग, स्पीशीज़ है फॉर्फिकुला। फॉर्फिकुला में आप देखेंगे कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमन है, तीनों जोड़ी लेग्स हैं, लॉन्ग फिलीफॉर्म एंटीना है। जो विशेष कैरेक्टर है जो कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी हाइंड विंग। फोर विंग तो बहुत शॉर्ट होता है, इतना सा ही है बस, ये फोर विंग है, बहुत शॉर्ट होता है और ये केवल विंग कवर के काम आता है। और जो हाइंड विंग है वो बड़ा होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है, सेमी सर्कुलर इसकी शेप होती है, मेम्ब्रेनस है, फ्लाइंग के काम आता है। सो दिस इज अ विशेष कैरेक्टर है ये डर्मेप्टेरा, ऑर्डर डर्मेप्टेरा का, है ना। और दूसरी चीज, जो सरकाई हैं, पोस्टीरियरली जो सरकाई होते हैं ये फॉर्सेप्स के समान होते हैं, चिमटी के समान होते हैं, हार्ड होते हैं, काइटन के बने होते हैं, इनमें सेगमेंट्स नहीं दिखाई देते, ये सॉफ्ट नहीं है,
हार्ड होते हैं और बिल्कुल आमने सामने ये फॉर्सेप्स के समान नज़र आते हैं। कुछ ईयरविग्स में तो आप देखेंगे इसमें ऐसे भीतर की ओर दांती टाइप छोटे छोटे डेंटिकल्स भी होते हैं। सो दिस इज सरकाई, डिफेंसिव स्ट्रक्चर है ये, तो दिस इज ईयरविग। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम से, नेक्स्ट ऑर्डर, सॉरी नेक्स्ट नॉट फाइलम, नेक्स्ट ऑर्डर से इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।